हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द मेड प्रोजेक्ट मेडिकल लेक्चर्स। और आज हम साइकेट्रिक नर्सिंग का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले जो कि हमारा बिहेवियरल थेरेपी। इससे पहले हम फैमिली थेरेपी पर वीडियो बनाया था, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो फैमिली थेरेपी के बाद अब हम देखने वाले बिहेवियरल थेरेपी को। तो उसमें हम क्या क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, देन बिहेवियरल थेरेपी के जो बिहेवियर के एजम्पशन देखेंगे और टेक्निक्स देखेंगे, यानी कि जो 7 टेक्निक्स है जिसे हम यूज़ करते हैं हमारे बिहेवियरल थेरेपी में। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है बिहेवियरल थेरेपी की। और फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी, यानी कि एक साइकोथेरेपी का ऐसा टाइप है बिहेवियरल थेरेपी विच इन्वॉल्व, उसमें क्या होता है, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मालअडॉप्टिव बिहेवियर, यानी पेशेंट का जो रॉन्ग बिहेवियर है उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं एंड ट्राई टू करेक्ट देम और सॉल्व, यानी कि उस रॉन्ग बिहेवियर को हम सॉल्व करते हैं या फिर करेक्ट करते हैं कैसे, बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, यानी कि बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग वी मॉडिफाई द मालअडॉप्टिव बिहेवियर ऑफ द पेशेंट, दिस इज नोन एज बिहेवियरल थेरेपी। तो उसमें हम देखते हैं एजम्पशन, यानी कि बिहेवियरल थेरेपी के जो 5 इंपॉर्टेंट एजम्पशन है वो कौन से। ऑल बिहेवियरल इज लर्न, जो भी है यानी कि पेशेंट का जो एडाप्टिव और माल अडाप्टिव बिहेवियर है वो पेशेंट का लर्न बिहेवियर होता है, यानी पेशेंट जो भी बिहेवियर हमको दिखाता है वो पेशेंट का सीखा हुआ बिहेवियर, उसके लाइफ में जो इंसिडेंस होकर गए उससे जो उसने सीखा है उस पर डिपेंड रहता है पेशेंट का, या फिर किसी पर्सन का जो प्रेजेंट बिहेवियर है उसने लाइफ में क्या क्या देखा है उस पर डिपेंड रहता है। तो ऐसे हम कहते हैं ऑल बिहेवियर इज लर्न, यानी कि हमारा जो आज का जो बिहेवियर है वो किस पर डिपेंड रहता है, हमने आज तक जो सीखा हुआ है तो उस पर डिपेंड है हमारा आज का बिहेवियर। देन सेकंड वन इज ह्यूमन बींग्स आर इन्फ्लुएंस टू डू एनीथिंग, यानी कि ह्यूमन बींग्स है उसको आप कुछ भी करने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हो, कैसे, बाय रिवॉर्डिंग और रेनफोर्समेंट। रिवॉर्डिंग यानी कि उसको कुछ लालच दिखाकर और रेनफोर्समेंट यानी कि उसको कुछ स्टिमुलस देकर आप किसी इंडिविजुअल को कुछ भी करने के लिए बोल सकते हो। तो और थर्ड क्या है, हमारा माल अडॉप्टिव बिहेवियर कैन चेंज इन टू एडॉप्टिव बिहेवियर बाय रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट यानी कि कुछ पॉजिटिव स्टिमुलेशन देकर आप पेशेंट का रॉन्ग बिहेवियर एक गुड बिहेवियर में चेंज कर सकते हो। देन बिहेवियरल असेसमेंट शुड बी फोकस ऑन द प्रेजेंट बिहेवियर देन पास्ट, यानी कि जब भी आप पेशेंट का साइकोलॉजिकल असेसमेंट या फिर बिहेवियरल असेसमेंट करते हैं तो आपको पेशेंट की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ना कि उसमें पास्ट में क्या किया था, उस पर जो पास्ट में किया था वो सब हो चुका है, पर अब पेशेंट आपको प्रेजेंट में क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखा रहा है या फिर प्रेजेंट में उसका बिहेवियर आपको क्या बताता है, आपको उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। देन ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज आर डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कि ईच पर्सन का प्रॉब्लम डिफरेंट रहता है, तो हमारे जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज है या फिर जो भी हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करने वाले, अभी सभी साइकोलॉजिकल पेशेंट में हम एक ही जो हमारे मेथड है या फिर जो टेक्निक उसे यूज नहीं करते, अकॉर्डिंग टू पर्सन और उसका प्रॉब्लम हमारे जो टेक्निक्स है वो डिफरेंट या फिर चेंज होती रहती। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज आर डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये हुए 5 इंपॉर्टेंट एजम्पशन। अभी हम देखते हैं टेक्निक्स, यानी कि बिहेवियरल थेरेपी की कौन सी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। तो फर्स्ट वन है सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। अभी डिसेंसिटाइजेशन सेंस यानी जब पेशेंट को जो एंजाइटी वाले सेंस आते हैं उसको हम क्या करते हैं, डिसेंसिटाइज करना है, यानी कि उसको सप्रेस कर रहे हैं। तो उसमें क्या करते हैं, कंप्लीट रिलैक्सेशन गिवन टू पेशेंट एंड फेस टू द एंजाइटी, यानी कि पहले पेशेंट को हम कंप्लीट रिलैक्सेशन देते हैं और रिलैक्सेशन के बाद पेशेंट को एंजाइटी देते हैं, या फिर उसको जो एंजाइटी वाले मोशन है या फिर एंजाइटी वाले जो हमारे जो सीनरी है उसमें हम पेशेंट को डाल दें, और पेशेंट को क्या बोलते हैं, जैसा हमने पहले उसको रिलैक्स किया था पेशेंट को वैसा ही बोलते हैं कि अभी आप रिलैक्स फील करो, आप ऐसा मत समझो कि आप कुछ एंजाइटी या फिर स्ट्रेस में हो, आपको बस रिलैक्स फील करना है। तो अल्टीमेटली पेशेंट का जैसा जैसा अगर हम उसको और भी स्ट्रेस देंगे या फिर और भी एंजाइटी देंगे तो पेशेंट को क्या लगेगा, अभी मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ और मैं रिलैक्स ही हूँ। तो ये होता है सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन में। तो उसमें हम 3 और इंटरवेंशन यूज करते हैं, जो क्या है, रिलैक्सेशन है, देन हायरार्की कंस्ट्रक्शन है और डिसेंसिटाइजेशन ऑफ द स्टिमुलस है। अभी रिलैक्सेशन यानी कि पेशेंट को रिलैक्स कैसे करते हैं, हम मसल रिलैक्सेशन देते हैं, देन हिप्नोसिस, योगा, मेडिटेशन, बायो फीडबैक, तो ये सारे रिलैक्सेशन के टेक्निक्स है। देन हायरार्की कंस्ट्रक्शन यानी कि पेशेंट कौन से ऐसी चीज़ें जिसके या फिर ऐसी चीज़ें जिनसे पेशेंट को एंजाइटी आती है, तो पेशेंट को उस चीज़ों को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में उसको हमको पेशेंट को बताना है कि आप एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपकी जो भी एंजाइटी लाने वाली जो चीज़ है या फिर ऐसे इंसिडेंस है तो उसको आपको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। देन डिसेंसिटाइजेशन ऑफ द स्टिमुलस, उसमें क्या करना है, पेशेंट सब्जेक्टेड टू द एंजाइटी अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड आस्क पेशेंट टू फील
रिलैक्स, यानी कि पेशेंट को एक के बाद एक एंजाइटी हमें दे देते जानी है, जो भी जैसा मतलब जो भी इवेंट है उससे उससे पेशेंट को कम से कम एंजाइटी होती है, सबसे पहले हम पेशेंट को उस एंजाइटी से एक्सपोज करेंगे और पेशेंट को क्या कहेंगे, अभी आप रिलैक्स फील करो, देन ग्रेजुअली पेशेंट मेक द कंट्रोल ऑन एंजाइटी, और धीरे धीरे पेशेंट क्या करेगा, एंजाइटी पर कंट्रोल लाना स्टार्ट कर देगा। तो ये थी हमारी फर्स्ट मेथड जो कि है सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। देन सेकंड वन क्या है, फ्लडिंग। अभी फ्लडिंग किस में यूज करते हैं हम, फोबिया के पेशेंट में यूज करते हैं। पेशेंट इज डायरेक्टली एक्सपोज टू द फोबिक स्टिमुलेशन फॉर लॉन्ग टाइम, अल्टीमेटली फियर इज रिड्यूस, यानी कि क्या करते हैं पेशेंट को हम जो भी फोबिक स्टिमुलेशन है उसको डायरेक्टली एक्सपोज करते हैं, यानी कि अभी किसी पेशेंट को क्या है, जो भी डार्कनेस है तो डार्कनेस से उसको कुछ डर लगता है, तो हम क्या करेंगे उसको सीधा एक डार्क रूम में भेज देंगे। तो पेशेंट का पेशेंट अभी डायरेक्टली एक फोबिया वाले स्टिमोशंस या फिर फोबिया जिससे उसको फोबिया होता है ऐसी स्ट्रेस में गया है पेशेंट, और फॉर लॉन्ग टाइम उसको हम ज़्यादा टाइम के लिए देंगे, तो पेशेंट पेशेंट क्या करेगा उस डार्कनेस को एडॉप्ट कर लेगा और अल्टीमेटली उसका जो फियर है उस डार्कनेस का वो रिड्यूस हो जाएगा। ये हुई सेकंड टेक्निक्स जिससे हम कहते हैं फ्लडिंग, मोस्टली हम फोबिया के पेशेंट में यूज करते हैं। थर्ड वन इज द एवर्जन थेरेपी। तो एवर्जन थेरेपी में क्या रहता है, प्लीजेंट स्टिमुलस गिवन टू द गिवन विथ अनप्लीजेंट रिस्पॉन्स, सो इन द एब्सेंस ऑफ अनप्लीजेंट रिस्पॉन्स प्लीजेंट स्टिमुलस बिकम द अनप्लीजेंट, यानी कि क्या करते हैं जो भी पेशेंट को प्लीजेंट स्टिमुलस पेशेंट को हम देते हैं प्लीजेंट। अभी ये हम किस में यूज करते हैं, जो भी अल्कोहल वाले पेशेंट है तो अल्कोहल वाले पेशेंट में हम एक एग्जांपल हम जो डाइसल्फिनम ड्रग देते हैं, तो डाइसल्फिनम ड्रग कैसे एक्ट करता है, बाय एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी में या फिर एवर्जन थेरेपी जैसे वर्क करती है वैसा ही वो वर्क करता है। तो उसमें हम क्या करते हैं पेशेंट को, अभी पेशेंट के लिए प्लेजेंट स्टिमुलस क्या है, जो अल्कोहल पेशेंट लेता है वो एक प्लेजेंट स्टिमुलस है, और अनप्लेजेंट स्टिमुलस क्या, हम उसको अल्कोहल के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रिक शॉक भी दे सकते हैं, वो क्या बनता है अनप्लीजेंट रिस्पॉन्स। तो उस इसमें हम क्या क्या हमको क्या करना है, प्लीजेंट स्टिमुलस गिवन विथ अनप्लीजेंट रिस्पॉन्स, यानी कि प्लीजेंट स्टिमुलस हमको पेशेंट हमें पेशेंट को अल्कोहल देना है और अल्कोहल के साथ साथ क्या रिस्पॉन्स देना है, अनप्लीजेंट रिस्पॉन्स जो कि हमारा शॉक है, यानी कि जब हम पेशेंट को अल्कोहल देंगे तो अल्कोहल के साथ साथ हमें उसको क्या देना है, शॉक भी देना है। तो इन द अभी हम ऐसा कितने बार करेंगे, 10 बार 20 बार करेंगे, तो पेशेंट ऐसा एडॉप्ट कर लेगा कि जब भी मैं अल्कोहल लेता हूँ तो अल्कोहल के साथ साथ मुझे क्या आता है, करंट आता है। सो इन द एब्सेंस ऑफ अनप्लीजेंट रिस्पॉन्स प्लीजेंट स्टिमुलस बिकम अनप्लीजेंट। तो जब भी फॉर एग्जाम्पल हमने स्टॉक पेशेंट को कितनी बार दिया, 10 बार पेशेंट को हमने शॉक दिया, जब भी वो अल्कोहल लेता है तो उसके साथ साथ हमने उसको क्या दिया, शॉक दिया इलेक्ट्रिकल शॉक। तो जब भी 11वीं बार हम पेशेंट को शॉक नहीं देंगे सिर्फ उसको अल्कोहल दिखाएंगे तो भी पेशेंट क्या समझ लेगा कि अगर मैं ये 11वीं बार भी अगर मैं अल्कोहल लेता हूँ तो मुझे शॉक आएगा। तो ऐसी कंडीशन में को हम क्या कहते हैं एवर्जन थेरेपी। तो पेशेंट क्या करेगा, पेशेंट को बस फियर रहेगा कि अगर मैं अभी अल्कोहल लेता हूँ तो मुझे शॉक आ जाएगा या फिर कोई मुझे शॉक देगा, तो पेशेंट क्या करेगा वो अल्कोहल लेना स्टॉप कर देगा। तो ये थी एवर्जन थेरेपी। तो एवर्जन थेरेपी में हम प्लीजेंट स्टिमुलस के साथ साथ अनप्लीजेंट स्टिमुलस देते हैं, और सो यानी कि अगर कुछ दिनों बाद हम अनप्लीजेंट स्टिमुलस को स्टॉप कर देते हैं तो अगर पेशेंट वो जो उसका स्टिमुलस प्लीजेंट है उसको लेने की ट्राई भी किया तो उसको ऐसा लगता है कि अनप्लीजेंट रिस्पॉन्स इसके बाद आएगा, तो पेशेंट अल्टीमेटली उसका जो अल्कोहल इंटेक है वो कम कर देता है। तो एवर्जन थेरेपी हम किसी पेशेंट की अगर कुछ एडिक्शन है उसको छोड़ने के लिए यूज करते हैं एवर्जन थेरेपी। देन हमारा फोर्थ जो हमारा जो टेक्निक्स है वो है ऑपरेंट कंडीशन फॉर ऑपरेट कंडीशनिंग प्रोसीजर फॉर इंक्रीजिंग द एडेप्टिव बिहेवियर, यानी कि पेशेंट का जो एडेप्टिव बिहेवियर है अभी हमको क्या करना है उसको इंक्रीज करना है। तो उसमें हम कौन से इंटरवेंशन देते हैं, फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव रेनफोर्समेंट एंड सेकंड वन इज द टोकन इकोनॉमी। तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और टोकन इकोनॉमी में हम क्या करते हैं, पेशेंट का जो नॉर्मल बिहेवियर है उसको हम, यानी कि पेशेंट अगर कुछ अच्छा बिहेवियर दिखाता है तो हमको उसको कुछ लालच देना है, यानी कि अगर तुम इससे भी अच्छा बिहेवियर करोगे तो उनको कुछ गिफ्ट्स मिलेगा या फिर उनका हमको प्रेस करनी है, देन उसको कुछ फूड मिलेगा, और टोकन इकोनॉमी में उसको कुछ इकोनॉमी या फिर कुछ पैसे वगैरह देकर उसको एक पॉजिटिव फील कराएंगे, यानी कि अगर यानी कि उसको लगना चाहिए कि मैंने ऐसा ऐसा बिहेवियर किया तो मुझे ऐसा ऐसा जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो सामने वाले से मिलता है। तो ये क्या होता है,
ये हमारे ऑपरेंट कंडीशन से जो क्या करती है, हमारे जो एडेप्टिव बिहेवियर है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करती है। देन सेकंड वन इज द ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर्स टू टीच द न्यू बिहेवियर, यानी कि पेशेंट को अगर कुछ नया सिखाना है या फिर उसको नया बिहेवियर सिखाना है तो कैसे सिखाते हैं। फर्स्ट वन इज द मॉडलिंग। अभी मॉडलिंग यानी कि क्या, पेशेंट को कुछ मॉडल्स दिखाना या फिर उसको कुछ क्या डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना या फिर कुछ एक्टिंग्स करके दिखाना कि पर्टिकुलर एक्टिंग्स में या फिर डेमोन्स्ट्रेशन में हम उसको जस्ट एक नॉलेज प्रोवाइड करेंगे कि उसका जो एडाप्टिव बिहेवियर है उसको कैसे बढ़ाया जाए। देन शेपिंग। शेपिंग में क्या क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप पॉजिटिव मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर, यानी कि उसके पेशेंट का जो बिहेवियर है उसमें स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक एक इंटरवेंशन डालेंगे और उसका जो स्टेप बाय स्टेप उसका जो जो बिहेवियर है उसको बिहेवियर को हम और भी स्टिमुलेट करेंगे या फिर इंक्रीज करेंगे। देन चेनिंग। अभी चेनिंग कब यूज होती है, इट यूज वेन इंडिविजुअल फेल टू परफॉर्म द कॉम्प्लेक्स टास्क, यानी कि कुछ अगर कॉम्प्लेक्स टास्क है जिसमें 10 वर्क पेशेंट को एक ही साथ में करने है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स टास्क पेशेंट करने बाद तो हमको क्या करना है, उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है, दो दो करके या फिर एक एक करके जो भी एक कॉम्प्लेक्स टास्क है हमको उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है और पेशेंट को एक एक टास्क करने को बोलना है और अल्टीमेटली पेशेंट जो पूरा वर्क है वो पूरा कंप्लीट कर देगा और उससे उससे क्या होगा, पेशेंट को जो नया पेशेंट जो नया बिहेवियर है वो भी सीख जाएगा। तो ये तीन इंटरवेंशन हम यूज़ करते हैं पेशेंट का, पेशेंट को नया बिहेवियर टीच करने में। उसमें कौन सा, मॉडलिंग, मॉडलिंग में हम एक्टिंग और डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू दिखाते हैं। देन शेपिंग। शेपिंग यानी क्या, पेशेंट पेशेंट को एक स्टेप बाय स्टेप बताना कि ऐसा ऐसा किया जाता है। और चेनिंग। चेनिंग में क्या करते हैं, हम किसी भी जो बड़ा टास्क है वो बड़े टास्क को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और देन एक एक टास्क पेशेंट को करने के लिए देते हैं। कॉम्प्लेक्स टास्क डिवाइड इन टू स्मॉल पार्ट्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स टास्क को छोटा छोटा करके पेशेंट को दिया जाता है। तो ये थी हमारी तीन इंटरवेंशन। देन नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर्स टू डिक्रीज द मालअडप्टिव बिहेवियर, यानी कि पेशेंट में अभी मालअडप्टिव बिहेवियर बहुत ज़्यादा है तो उसको डिक्रीज कैसे करना है, तो उसमें ये जो पांच इंटरवेंशन है उसको हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज द इग्नोरिंग, सेकंड वन इज द पनिशमेंट, थर्ड वन इज टाइम आउट, देन रिस्टिट्यूशन और रिस्पॉन्स कॉस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं इग्नोरिंग, यानी कि पेशेंट का जो बैड बिहेवियर है उसको इग्नोर करना, यानी कि पेशेंट अगर कुछ बैड बिहेवियर भी दिखाता है तो उस पेशेंट का एक मेंटेलिटी होता है जब भी मैं कुछ बैड बिहेवियर करूँ तो उसका असर औरों पर कैसा कैसा दिखता है या फिर औरों पर उसका कैसा असर पड़ता है, इससे पेशेंट को एक सुकून मिलता है। तो हमको क्या करना है, इग्नोर करना है। अगर पेशेंट कुछ उधर चिल्लाए या फिर कुछ भी गालियाँ दे, हमको उसको इग्नोर करनी है कि मैंने तुम तक या फिर तो तुम्हारे पास देखा ही नहीं, ऐसा हमको पेशेंट को दिखाना है। उसको हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, यानी कि पेशेंट का जो बैड बिहेवियर है उसको हमें इग्नोर करते रहें तो अल्टीमेटली पेशेंट को क्या लगेगा कि मुझे तो कोई देखता ही नहीं और मैं जो बिहेवियर दिखा रहा हूँ उसका कोई खुशी या उसका किसी लोगों पर कुछ असर नहीं पड़ रहा, तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, उसका जो बैड बिहेवियर वो कम कर देगा। देन सेकंड वन इज द पनिशमेंट, अगर पेशेंट कुछ बैड बिहेवियर करता है तो उसको पनिशमेंट देनी, तो उस पनिशमेंट के डर से पेशेंट बैड बिहेवियर करना कम कर देगा। देन टाइम आउट। टाइम आउट यानी कि क्या, जैसा इधर हमने देखा था पॉजिटिव रेनफोर्स और टोकन इकोनॉमी, यानी कि इधर हम क्या करते थे, कुछ पेशेंट को पैसा या फिर गिफ्ट देते थे उसके अच्छे बिहेवियर के लिए, तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर पेशेंट बैड बिहेवियर दिखाता है तो उसका जो कुछ अच्छे के लिए होता है या फिर उसको जो एंटरटेनमेंट के लिए होता है तो ऐसे या फिर यानी कि उसका जो प्ले टाइम रहता है, यानी कि बाकी पेशेंट अगर एक तास प्ले के लिए जाते तो ऐसा अगर पेशेंट ने मालअडप्टिव बिहेवियर दिखाया तो हम उसका क्या करेंगे, टाइम आउट कर देंगे, यानी कि उसका जो प्ले का टाइम है वो कैंसिल कर देंगे या फिर आधा ही घंटा कर देंगे या फिर 15 मिनट कर देंगे। तो पेशेंट को क्या लगेगा, अगर मैंने मालअडप्टिव बिहेवियर या फिर रॉन्ग बिहेवियर दिखाया तो मेरा प्ले का टाइम कम हो रहा है या फिर मेरा जो टीवी देखने का टाइम है वो कम हो रहा है, तो अल्टीमेटली वो अपना मालअडप्टिव बिहेवियर कम कर देगा। देन नेक्स्ट क्या है, रेस्टिट्यूशन। अभी रेस्टिट्यूशन में क्या करते हैं, अगर पेशेंट में कुछ बैड या फिर रॉन्ग बिहेवियर दिखाए तो उसको हम क्या, जैसे इधर पनिशमेंट देते तो ऐसे ही कुछ थोड़ी सी जो पनिशमेंट है जिसमें पेशेंट को और भी ज़्यादा वर्क करना पड़े या फिर उसका फिजिकल वर्क बढ़ जाए ऐसा हम वर्क पेशेंट को देते हैं। या इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर पेशेंट अपने बेड में वेटिंग कर रहे थे या फिर अपना जो यूरिन है बेड पर ही पास कर रहे थे तो हम पेशेंट को क्या बताएंगे, तुम खुद का तो बेडशीट चेंज करोगे, उसके साथ साथ पूरा जो होल जो वार्ड है उस वार्ड के सभी पेशेंट का बेडशीट तुम्हें अकेले ही चेंज करोगे, तो वो जो वर्कलोड है उस वो पेशेंट पर आता है और अल्टीमेटली पेशेंट नेक्स्ट बार अपने जो बेडशीट है उसमें यूरिन पास नहीं करता। और लास्ट वन इज द रिस्पॉन्स कॉस्ट, यानी कि जब पेशेंट कुछ अच्छा बिहेवियर दिखाता है हम तो हम उसको कुछ
पॉइंट्स देते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा के पॉइंट्स देते हैं। और जब भी पेशेंट माल अडॉप्टिव बिहेवियर दिखाता है तो उसके उसने जो पॉइंट्स अर्न किए हम उस पॉइंट्स में से एक एक पॉइंट्स कम करते जाएंगे। तो पेशेंट को क्या लगेगा, मेरे पास इतने पॉइंट्स थे, अगर मैं कुछ बैड दिखाता हूँ डॉक्टर्स को या फिर नर्सेस को, तो वो क्या करेंगे, मेरा जो अर्न किया हुआ जो पॉइंट्स है तो उस पॉइंट्स में से कम कर देंगे। तो उसके फेयर से भी पेशेंट माल अडॉप्टिव बिहेवियर नहीं दिखाएगा। और लास्ट का है एसर्टिवनेस एंड सोशल स्किल ट्रेनिंग। उसमें हम क्या सोशल में या फिर जो कलीग से या फिर पेयर से उसमें कैसा रहना है या फिर कैसा बिहेवियर दिखाना है वो हम एक डेमोन्स्ट्रेशन से या फिर कुछ एक्टिंग्स वगैरह से पेशेंट को बताएंगे। तो ये सारे जो हमारे टेक्निक्स है वो हम बिहेवियरल थेरेपी में यूज़ करते हैं। तो उसमें इंपॉर्टेंट से ये तीन है जो भी जो हमारे डायरेक्टली बिहेवियर से रिलेटेड है। उसमें सबसे पहले क्या है, टू इंक्रीज द माल अडॉप्टिव बिहेवियर को इंक्रीज या फिर इंक्रीज द एडाप्टिव बिहेवियर यानी कि जो अच्छा बिहेवियर उसको इंक्रीज कैसे करते हैं, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और इकोनॉमी यानी कि तुम और अच्छा करो हम तुमको और भी अच्छा देंगे, ऐसा इसका मीनिंग होता है। देन ऑपरेंट कंडीशन प्रोसीजर टू टीच द न्यू बिहेवियर यानी कि पेशेंट का कुछ अच्छा बिहेवियर है हमको उसको क्या करना है, सिर्फ कुछ नया टीच करना है। तो उसमें क्या मॉडलिंग यानी कि उसको एक्टिंग या फिर डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू बताना ऐसा ऐसा बिहेवियर किया जाता है। देन शेपिंग यानी कि पेशेंट को स्टेप बाय स्टेप पॉजिटिव मॉडिफिकेशन आना यानी कि पेशेंट ट्राई कर रहा है खुद का जो बिहेवियर उसको मॉडिफाई करने में, सिर्फ पेशेंट डायरेक्टली पूरा 100% तो नहीं कर सकते, तो हमको उसको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव मॉडिफिकेशन करते जाना है। और चेनिंग यानी कि पेशेंट को कोई टास्क अगर पेशेंट कंप्लीट नहीं करता डायरेक्टली तो उस टास्क को भी हमको एक चेनिंग और शिपिंग रिलेटेड ही। देन टू डिक्रीज द माल अडॉप्टिव बिहेवियर यानी कि पेशेंट में अडॉप्टिव बिहेवियर नहीं सिर्फ रॉन्ग बिहेवियर, तो रॉन्ग बिहेवियर को कम कैसे करना है, इग्नोर करना है, पनिशमेंट, देन टाइम आउट, देन रिस्टिट्यूशन और रिस्पॉन्स कॉस्ट यानी कि उसके जो पॉइंट्स है वो कम करने। और लास्ट वन का है एसर्टिव एंड सोशल स्किल ट्रेनिंग यानी कि जो हमारे सोशल में जैसा रहा जाता है पेयर्स में फ्रेंड्स में तो वो कैसे रहते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। तो ये सारी टेक्निक्स थी बिहेवियरल थेरेपी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।